सो फ्रेंड्स, हमने ये एक एनडी फिल्टर ख़रीदा है, तो मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ। कराची कैमरा सेंटर से ख़रीदा है, इसी प्राइस है कोई 4800 पाकिस्तानी, मतलब कि फाइव डॉलर बनता है, कितना बनता है, सिर्फ $50 5000 रुपये का बनता है ये। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर इसका फ़ायदा क्या है। तो खुल जा, तो नज़दीक ले गए, ये सील्स लगी होती हैं, इनको ब्रेक कर देना और ये ऐसे खुलेगा। फोकस अगर ऑटो करेगा फोकस, ठीक है। ये इस तरह का फिल्टर है। अब इसमें फंक्शन क्या है, ये वेरिएबल इसको फिल्टर कहते हैं, तो ये आप अपने रंग बदलता है इसको घुमाने पे। ये देखें, ये इसका फंक्शन है, इससे हम लाइट कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह की हमें चाहिए हो। तो लॉन्ग एक्सपोजर के काम आता है, वीडियो के लिए बहुत काम आता है। वीडियो में अगर आप शटर स्पीड, अगर इसके बगैर हार्श लाइट में अगर आप शटर स्पीड को देखें, वो अबव 100 चली जाती है, 500 400 300। अगर इसको लगाएंगे आप कंट्रोल करके 30 पर सेकंड पे ही कर सकते हैं। यार साओ ना अच्छा, तो अब मैं आपको कैमरे भी लगा के दिखा देता हूँ। और इसका एक मैंने सुनने में आया था कि इसका एक बैड पॉइंट भी है, वो बैड पॉइंट ये है कि ये या ये लगा सकते हैं या इसका हुड लगा सकते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्योंकि इसका अपना एक हुड ख़रीदना पड़ेगा, सिग्मा का अपना हुड नहीं लग सकता, बकाया लेंसेज का मैं नहीं कह सकता। इस पर जो हमने ट्राई किया है, तो इसको इस तरीके से लगाना है और आपका ये आगे वर्किंग करना शुरू हो गया। तो ये देखें, तो मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह टेस्ट वगैरह करके आपको पोस्ट करूंगा पिक्चर्स। आपने मेरा पेज लाइक करना है, मुगल क्लिक्स के नाम से है फेसबुक पे, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इसका मैंने नाम चेंज किया था, इब्रार मुगल एवरीथिंग कर दिया था, पहले था इब्रार मुगल टेक था। एवरीथिंग इसलिए कि मैं हर चीज़ की वीडियो बनाता हूँ, व्लॉग भी होते हैं बीच में, और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं फ़नी क्लिप्स वगैरह भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, ठीक है, हर तरह के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को बंद करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बंद करें।